हेलो एवरीबॉडी, मैं मेन्यू चक्रव्यूह ब्रेकर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। बिहार एसटीईटी पेपर टू का क्वेश्चन हमारे पास है और पेडागोजी एंड अदर स्किल्स के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक मैं अभी आंसर की बताऊंगा और जिसमें जहाँ संभव हो सकेगा उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि किस तरह से सॉल्व हो सकता है। आप लोग मिला के एक बार टेस्ट चेक कर सकते हैं कितने मार्क्स आपको आ रहे हैं, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा वो 100% करेक्ट आंसर है। देखिए, आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 1 पे। ए और बी बहने हैं, आर और एस भाई हैं, ए की बेटी आर की बहन है, बी का एस से क्या संबंध है? ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिस प्रकार बी डी ई जी से संबंधित और एम ओ पी आर से, तो उसी प्रकार एफ एच किससे संबंधित है? एफ एच जो है आई के से संबंधित होगा, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया अपनी कक्षा में नीचे से 6वीं और शीर्ष से 28वीं रैंक पर है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? देखिए, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है रैंकिंग वाला, टॉप से और डाउनवर्ड से जो भी पोजीशन होता है उस दोनों को ऐड कर दिया जाता है, तो 6 + 28 ऐड कर दिया जाएगा और दोनों को ऐड करने के बाद -1 कर दिया जाएगा। दोनों को ऐड करने के बाद 34 होगा और -1 करेंगे 33 होगा। इस तरह के क्वेश्चन में इसका ऑप्शन जो करेक्ट है 33 है। लेकिन अगर चैनल पे आप पहली बार हैं, चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे के सारे इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को ज्ञात करें। पुस्तक संबंधित है प्रकाशक से, तो फिल्म किस ऑप्शन से संबंधित है? इसका आंसर होगा निर्देशक। नीचे आते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में दी गई श्रृंखला चयन करें, तो लुप्त संख्या का चयन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 144 होगा क्योंकि स्क्वायर में चल रहा है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है और इसी तरह से स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पे 12 का स्क्वायर छूट गया था, 144 होगा इसका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि दो संख्याओं का योग 22 और उनके वर्गों का योग 404 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? 6 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन है 40 होगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो 40 है। 20 और 2 ये दोनों नंबर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति तक वीडियो पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 396 रुपया प्रति मशीन की दर से 2 मशीन बेचता है। पहले मशीन पर उसे 10% का लाभ होता है, जबकि दूसरे मशीन पर 10% की हानि होती है। इस पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई? मैंने पेपर 1 में भी बताया था, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा हानि होता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 600 मीटर लंबाई वाली ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, कितने समय बाद यह प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पास करेगी? देखिए, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे 600 मीटर दिया हुआ है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर प्रति सेकंड में जब चेंज करेंगे आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पे 600 मीटर दिया हुआ है, तो टाइम निकालना है तो आराम से 600 डिवाइडेड बाय 15 कर देंगे और कैंसिल करेंगे, तो 40 सेकेंड इसका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक व्यक्ति की मासिक आय 18,000 रुपये है, यदि उसके वेतन में 30% की वृद्धि होती है, तो अब उसकी मासिक आय क्या है? 18,000 का 30% हो जाएगा 5,400 रुपया, और बढ़ने के बाद 18,000 में 5,400 ऐड कर दीजिए, 23,400 रुपया, आराम से क्वेश्चन सोल्व हो गया। आते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर क्वेश्चन है, लगातार 9 विषम संख्याओं का औसत 53 है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 10 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 45, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है शिक्षा में मानव संबंधों की वकालत की, इसका इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ते हैं, डैश एडवोकेटेड ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच इन एजुकेशन। 11 नंबर क्वेश्चन है, इसका एल्टन मेयो आंसर सही है 11। अब 12 नंबर, मध्याह्न भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य है, बिहार में ही चल रहा है मध्याह्न भोजन योजना और इसका सीधा सीधा उद्देश्य है विद्यार्थियों का नामांकन स्कूल में ज़्यादा करवाना, नामांकन बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सह पाठ्यचर्यात्मक क्रिया क करिकुलर एक्टिविटीज आर टू, छात्र के विकास के लिए, विद्यालय विकास के लिए, छात्र को विद्यालय छोड़ने से रोकने के लिए, समुदाय की मांग को पूरी करने के लिए, इसका जो आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, छात्रों के विकास के लिए क करिकुलर एक्टिविटीज स्कूल में करवाया जाता है। मनोविज्ञान विश्लेषण किया गया किसके द्वारा, यानी कि साइको एनालिसिस इज डन बाय, किनके द्वारा मनोविज्ञान विश्लेषण किया गया, इसका जो आंसर है 40 नंबर का, सिगमंड फायर द्वारा, ये 14 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे सारे के अपडेट आगे का सारा अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। किसने कहा कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है, ऑटवे का ये कथन है, ऑटवे यहाँ पे अल्फ्रेड ऑटवे ए नंबर में ही दिया हुआ है, तो ऑटवे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन पे, 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि 12 कुर्सी और 8 टेबल का मूल 676 रुपया है तो 21 कुर्सी और 14 टेबल का मूल्य क्या होगा, तो आराम से बनाया जा सकता है, कुर्सी का मूल्य एक्स मान लेंगे, 12x+8y इज इक्वल टू 776, उसके बाद 4 को कॉमन ले लेंगे तो 3x+2y बचेगा, और यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर जो दिया हुआ है 21 कुर्सी और 14 टेबल, तो 21 वाई कर देंगे, यहाँ 7 को मान ले लेंगे, 3x+2y हो जाएगा, 3x+2y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर जो सोल्व करेंगे निकल जाएगा, और वैल्यू पुट करने के बाद जो ऑप्शन आने वाला है 16 का वो आएगा 1183 रुपया, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 264 का 60% बराबर है, आपको सारा कल क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसका इनडायरेक्ट वे में दिया हुआ है, तो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे जब इस तीनों ऑप्शन का, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, डी। 18 नंबर जो है, 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये काउंट करके किया जा सकता है, इसका आंसर होगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117, को प्राइम नंबर का जो 117 गुणनफल है प्रोडक्ट है, तो उनका लघुत्तम समाप्त वर्त क्या होगा, 19 का ऑप्शन सी 117 ही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक संख्या अपने 5वें भाग से 20 अधिक है, संख्या है एक संख्या है, मान लीजिए संख्या एक्स है और अपने 5वें भाग यानी कि x+5 से कितना अधिक है, 20, x+5 x/5+20 कर दीजिए और इसको सॉल्यूशन निकालिए, सॉल्यूशन निकलने के बाद एक्स का वैल्यू 25 आ जाएगा। 21 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में से समाज के मुख्य संसाधन के रूप में किसे सामाजिक प्रयोग के लिए उपयुक्त माना गया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विद्यालय। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन विद्यार्थियों को अध्यापक के ध्यान की आवश्यकता है, ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन है ए नंबर बुद्धिमान, बी नंबर अंतर्मुखी, सी नंबर मंद गति से सीखने वाला और डी नंबर इनमें से सभी, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी इसका इनमें से सभी ये करेक्ट आंसर है। आते हैं 23 नंबर पे, 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम के लिए आधार प्रदान करता है, और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 23 का जो करेक्ट
ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, अध्ययन सामग्री और सामाजिक आवश्यकताएं इसका आंसर होगा। अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्न में से कौन आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री अत्यंत प्रकृतिवादी था? हुच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न इंडियन एजुकेशनलिस्ट वॉज वेरी मच नेचुरलिस्ट, मॉडर्न इंडियन है तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर। आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं। 25 नंबर जो इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है पोलो फ्रेरी। ए नंबर ऑप्शन ही इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है तो प्रतिशत लाभ क्या है? इसका प्रतिशत लाभ 26 का सोल्व करने के बाद 4.16 समथिंग आएगा, तो 4.17 इसमें ऑप्शन है। ए नंबर करेक्ट आंसर है। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का है। एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है। यदि वह सभी 75 प्रश्नों का जवाब देकर 125 अंक हासिल करता है तो उसके द्वारा सही जवाब दिए गए प्रश्नों की संख्या क्या होगी, क्या है? अब देखिए उसके द्वारा जो इसका इसको कैसे बनाएंगे, टोटल क्वेश्चन 75 है और मान लेंगे कि उसने सही जवाब दिया है एक्स क्वेश्चन का सही जवाब दिया है तो करेक्ट हो गया एक्स क्वेश्चन और इनकरेक्ट क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 75 - x। अब करेक्ट क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं तो हो जाएगा 4x और इनकरेक्ट के लिए 1 मार्क्स माइनस होता है तो -1 × 75 - x और टोटल मार्क्स इसको आया है 125। इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो हमारा एक्स का वैल्यू निकल जाएगा यानी कि करेक्ट क्वेश्चन का वैल्यू निकल जाएगा और इस तरह से ऑप्शन जो होगा हमारा वो ऑप्शन यहाँ पे 40 नंबर ऑप्शन बी में दिया हुआ है, 40 नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28 नंबर पे 67 और 101 के बीच मिश्र संख्याओं की संख्या है। 28 नंबर ये लिख के भी किया जा सकता है, 27 इसका आंसर होगा। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 120 है और उनके वर्गों का योगफल 289 है। दो संख्याओं का योग है, उन दोनों संख्या का योग पूछा जा रहा है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि होगा? यहाँ पे प्रतिशत लाभ होगा और प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे, देखिए 40 वस्तुएं हैं और यहाँ पे विक्रय मूल्य 50 है तो अंतर हो गया 10 का, 10/40 × प्रतिशत तो ये जीरो कैंसिल हो गया, 4 से इसको काटेंगे तो 25% निकल जाएगा। 25% यहाँ पे गेन होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25% मुनाफा ऑप्शन ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या इसमें हो जाएगा 27, आप निकाल के चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि 5 व्यक्ति 10 खिलौने को 6 दिनों में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके बना सकते हैं तो 12 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 16 खिलौने को कितने दिनों में बना सकते हैं? थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जरूर है, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा ए नंबर, 3 डेज। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप लोग अपना कर सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स आने जा रहे हैं। निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन है
जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर शेष 2 बचता है। सब इन सारे नंबर्स का एलसीएम लेने के बाद प्लस 2 कर देंगे और आंसर आ जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार पहला 39 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में जबकि अगला 25 किलोमीटर 35 मिनट में तय करती है, तो कार की औसत गति क्या है? औसत गति यानी कि स्पीड पूछ रहा है। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम, तो टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा? 39 यहाँ पे है और 25 यहाँ पे, दोनों को ऐड कर देंगे और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 45 मिनट यहाँ पे है, 35 मिनट यहाँ पे, दोनों को ऐड कर देंगे और डिवाइड, क्योंकि चूंकि मिनट में है तो डिवाइडेड बाय 60 भी कर देंगे, 60 ऊपर चला जाएगा और 80 नीचे रह जाएगा। इस तरह से इसका जो आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद, आंसर आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राधा का वेतन सलमा के वेतन से 20% कम है, तब सलमा का वेतन राधा के वेतन से अधिक है, कितना? 25% होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ गुना है, इस तरह से कंडीशन दिया हुआ है और इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है, इसका सॉल्यूशन निकालने के बाद ऑप्शन सी करेक्ट 16 आ जाएगा, आराम से कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। अब देखिए, यदि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर है, यदि एज इक्वल टू 26, सन इज इक्वल टू 27, कैट इज इक्वल टू व्हाट? अब देखिए यहाँ पे रिवर्स किया गया है, ए को 26 मान लिया गया है, तो बी को 25, सी को 24, इस तरह से किया गया है। तो सन का जो पोजीशन होगा, यू का जो पोजीशन होगा, एन का जो पोजीशन होगा, तीनों को ऐड करने के बाद 27 आएगा। उसी प्रकार से रिवर्स पोजीशन में कैट कैट सी का पोजीशन जो होगा, ए का जो पोजीशन होगा और टी का जो पोजीशन होगा, रिवर्स में जैसे ए का 26 हो जाएगा, सी का 24 जाएगा, उसी प्रकार टी का जो होगा, तीनों को ऐड कीजिए और ऐड करने के बाद जो निकलने वाला है 57, वो आंसर करेक्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर पे, यदि किसी कूट भाषा में हीलिंग को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बेड टाइम को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए ये किस तरह से सोल्व होगा, इसमें एच ई ए को एक तरफ कर लीजिए, एल उसके बाद आई एन जी को एक तरफ कर लीजिए, एल को बीच में छोड़ दीजिए। अगर गौर से देखेंगे तो बी एफ आई एच के बाद आई को लिखा गया है, रिवर्स किया गया है, उसके बाद ए को लिखा गया है बी एक बढ़ा के, और ई के बाद यहाँ पे एफ लिखा गया है, एक एक इंक्रीज करके, और एल को के कर दिया, एक माइनस कर दिया गया है, और फिर पीछे वाला जो है आई एन जी, उसको फिर इसी पोजीशन में इसी क्रम में लिखा गया है। इस तरह से 38 का ऑप्शन जो होगा बी बिल्कुल करेक्ट है। आते हैं 39 नंबर में, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला जरूर है, इसमें काफ़ी समय लग गया होगा। इसमें जो ये पजल बॉक्स दिया गया है, इसमें वॉट यहाँ पे लिखा हुआ था, में इसका आंसर कितना होगा और किस प्रकार से होगा? तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे 9 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर कीजिए, तो 81 + 64 ऐड करने के बाद जो भी आएगा 145 आएगा, उसमें ऐड कर दीजिए 17 को। 17 को क्यों? क्योंकि 8 और 9 जो यहाँ पे दिया गया है, दोनों को मिला के 17 होता है, तो यहाँ इसमें +17 कीजिए, 162 आपका यहाँ पे होता है। यहाँ पर भी सेम कीजिए, 11 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर ऐड करने के बाद जो आएगा उसमें भी 17 ऐड कीजिए, क्योंकि यहाँ 11 और 6 17 होता है, तो 174 आएगा। सेम मैनर में 8 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर दोनों को ऐड कीजिए, यहाँ पे 17 ऐड नहीं करना है, क्योंकि 13 और 8 को ऐड करने के बाद 21 आता है, दोनों के स्क्वायर को ऐड करने के बाद 21 प्लस कीजिए, और इस तरह से इसका ऑप्शन जो आएगा 254 आएगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 40 नंबर ऑप्शन जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए 98 पहले लिखा गया है, फिर 987 लिखा गया है, फिर लिखा गया 9876, फिर 98765, 98764, और इस तरह से आगे का जो यहाँ पे आने वाला है, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, ऑप्शन में 4, 3 नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा डी, इनमें से कोई नहीं। लेकिन चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बारे में शिक्षकों की राय जानने के लिए किए जाने वाले वृहद सर्वेक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त होगा? और चार ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रश्नावली, साक्षात्कार, परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश ऑप्शन भी आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड नन ऑफ दीज। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, या तो प्रश्नावली सही होगा या तो परीक्षण सही होगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक इसका सही होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, एक विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य है, ये क्वेश्चन नंबर 42 है और इसका ऑप्शन होगा मनोविज्ञान की जानकारी की शिक्षा में समन्वय। ऑप्शन सी करेक्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशन। आगे आते हैं 43 नंबर पे। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार शिक्षा के साधन के रूप में विद्यालय से संबंध नहीं है? ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है कि विद्यालय से संबंध नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, धार्मिक समस्याओं हेतु निश्चित समाधान। धार्मिक का समाधान शिक्षा में नहीं आता है, विद्यालय शिक्षा में नहीं आता है। 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, शिक्षा के दर्शन का कौन सा संप्रदाय डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से निकटता जताएगा? ये पेपर वन में भी ये सवाल था, सेम क्वेश्चन, और इसका आंसर होगा नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद। 45 नंबर पे आते हैं। 45 नंबर भी पेपर वन में क्वेश्चन सेम था, भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा मौलिक अधिकार है? इसका आंसर होगा आर्टिकल 21A, यानी कि अनुच्छेद 21A। पांच क्वेश्चन और बचे हुए हैं, पांच क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, लेकिन चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और 46 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक करण का क्या अर्थ है? इसका सीधा सीधा अर्थ है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार द्वारा महिलाओं की शिक्षा के संबंध में गठित की जाने वाली पहली समिति है, सबसे फर्स्ट कमीशन का नाम पूछ रहा है जो कि स्वतंत्र भारत के बाद गठित की गई थी, इसका होगा दुर्गाबाई देशमुख समिति। आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे, तीन क्वेश्चन मात्र बचा हुआ है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रवण दोष वाले विद्यार्थियों को आवश्यकता है, ऑप्शन है भाषा प्रशिक्षण की, श्रवण प्रशिक्षण की, वाणी प्रशिक्षण की, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज इसका होगा, क्योंकि जो श्रवण दोष वाले जो स्टूडेंट्स हियरिंग इम्पेयरमेंट है उन्हें इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होगा, तो इनमें से सभी होगा। 49 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, NCTE की स्थापना पार्लियामेंट के तहत कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1995। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्न में से शिक्षा में कौन सा संसाधन सम्मिलित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा जल संसाधन, क्योंकि वित्तीय संसाधन तो है ही, और सामग्री संबंधी संसाधन भी है जैसे बुक्स, कॉपी, पेंस हो गया, और मानव संसाधन जैसे टीचर्स हो गए, ह्यूमन रिसोर्स, ये भी सम्मिलित है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार जल संसाधन इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया पेपर टू के, और सारे क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। थैंक यू।